पहाड़ में वैसे आप सभी देख सकते हैं, सामने अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोहरा नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरह आप कोहरे के साथ चल सकते हैं। अब यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और वो बस यहाँ से 500 मीटर आगे इतनी बारिश हो रही है। देख के आपको दिखाता हूँ, यहाँ से 500 मीटर आगे बस ये, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आधे घंटे से बारिश है और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। काईवाल जरा जोशी ना अल्ले, अरे रुक जा, वो जोशी जरा किसी काईवाल। हरेले का पर्व है, वो हरेले का पर्व आने वाला है, और अभी हरेले के पर्व को यानी 2-3 दिन और बचे हैं। जो हरेले का पर्व होता है वो हमारे जो उत्तराखंड में है वो बड़े प्यार से मनाया जाता है। शायद आप सभी ने मेरी पहली सारी बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 5 या 6 प्रकार के बीज लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें अभी कितने प्रकार के बीज लगे हैं, एक तो लगा है इसमें धान, और क्या क्या लगा है, भट्ट, मांस और मक्का और गेहूं वगैरह के थोड़े जो बीज हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसकी जो मिट्टी है वो देख सकते हैं आप, ये अभी केवल कितने दिन हुए इसे, अभी कितने दिन हुए, 7 दिन में आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हो चुका है। और इसे यहाँ पर डेली रेगुलर जल दिया जाता है, और जल देने के बाद इसे हरेले के दिन इसे काटा जाता है। तो क्या भासी, चल हाँ इसको काटेंगे, इसको काटेंगे हरेले के दिन ये, हाँ इसको काटेंगे हरेले के दिन। और हरेले का त्यौहार शायद आप सभी अगर मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है। तो इसे बड़े प्यार से मनाया जाता है, और जो इसकी मिट्टी होती है अगर आप मिट्टी को देख सकते हैं, इसमें जो प्रकार की मिट्टी लगी है तो इसमें बीज का भी बहुत महत्व होता है, और जो मिट्टी है उसका भी महत्व होता है। अगर आज के डेट के हिसाब से देखें तो जो प्रकार की इसमें मिट्टी लगी है तो आप अपनी खेती भी इसी मिट्टी के अनुसार कर सकते हैं, ताकि इसमें ये बीज इतनी जल्दी उग जाए। यानी कि ये बीज जो हुए हैं केवल 7 दिन में, 7 दिन में, अभी 3 दिन और बचे हैं बेटा, हाँ 3 दिन और, तो अभी हरेला आ जाएगा। बस चलो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बोल बाय करते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बोल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चल बाय बाय करते, बाय।